मैथमेटिक्स में लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में कुछ बातें पढ़ी हुई थी, अवकलनीयता। आपको याद है सारी बातें? क्या एक बार हम लोग जल्दी से रिवाइज कर लें? क्या आप बता सकते हैं किसी भी फलन, कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पर अवकलनीय है, इसके लिए मैथमेटिकल कंडीशन क्या है? मैथमेटिकल कंडीशन ये है कि उस पॉइंट पर फलन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल होना चाहिए। कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला हमने आपको बताया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला, एट पॉइंट सी लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ सी अपॉन माइनस एच। राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच, ये फॉर्मूले बताए गए। तो इन दोनों को अगर बराबर होंगे तो हमारा फलन कैसा होगा? अवकलनीय हो जाएगा। हम जब भी किसी फलन का अवकलन करते हैं तो वाकई में हम क्या कर रहे होते हैं? आंसर है, वाकई में हम उस फलन के उस बिंदु पर, जिस बिंदु पर हम उसका अवकलन करते हैं, हम स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कर रहे होते हैं। याद आ रहा है आपको? अच्छा, अवकलनीयता का प्रैक्टिकल मीनिंग क्या होता है? ग्राफ से कैसे पहचानेंगे कि कोई फलन दिए गए बिंदु पर अवकलनीय है या नहीं है? तो आंसर है, हम उस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचकर देखेंगे। अगर स्पर्श रेखा खींच गई तो अवकलनीय है, अगर उस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच नहीं पाएगी तो उस पॉइंट पर फिर वो फलन अवकलनीय नहीं होगा। तो स्पर्श रेखा किस पॉइंट पर नहीं खींच पाया करेगी? जब कहीं पर ऐसा शार्प कॉर्नर मिलेगा, वहां पर हम टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। समझ में आया? अच्छा, एक चीज और हमने पढ़ी थी कि जो भी फलन अवकलनीय होता है आवश्यक रूप से वो फलन संतत भी होगा, लेकिन इसका इनवर्स सत्य नहीं है कि जो फलन संतत है वो अवकलनीय भी होगा, ये सही नहीं है। उसका एक एग्जाम्पल मॉडुलस फंक्शन लेके दिखाया था हमने आपको कि जो मॉडुलस फंक्शन होता है मोड ऑफ एक्स, वो मूल बिंदु पर संतत तो है बट अवकलनीय नहीं है, क्योंकि हम उस बिंदु पर टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते। ये अभी तक हमने स्टडी किया। उसके बाद आज हम पढ़ना चाहते हैं डिफरेंशिएशन फॉर्मूला। हमने बहुत सारे हमारे पास जो फलन है उनमें से कुछ बेसिक फंक्शंस जो हैं उनके डिफरेंशिएशन निकाल निकाल के हमने रख लिए हैं और उनके कुछ फॉर्मूले बना लिए हमने। वो आज हम लोग फॉर्मूला पढ़ना चाहते हैं, ठीक है? अवकलन, अवकलन का तरीका क्या है वो आपको बताया गया है कि किसी बिंदु पर किसी फलन का अवकलन कैसे आप निकालते हैं, वो लास्ट क्लास में आपको बताया गया है। अब हमने क्या किया, उस मेथड को लगा करके हमारे पास बहुत सारे फंडामेंटल फंक्शंस थे, बेसिक फंक्शंस थे, हमने उनके अवकलन निकाल लिए और उनकी एक लिस्ट बना ली, और उसके बाद जब वो फलन आया करेंगे तो उनका अवकलन करने की आवश्यकता हमको नहीं हुआ करेगी। बेसिक रूल से उन फॉर्मूलों को ही हम याद कर लेते हैं सीधे, और वो फॉर्मूले हम लोग यूज करते रहेंगे। तो कौन कौन से हैं वो फंक्शंस और क्या है उनके अवकलन के सूत्र, वो आज हम लोगों को देखने हैं। इसीलिए हमने एक डाले डिफरेंशिएशन फॉर्मूले। अब स्टार्ट करते हैं। हालांकि ये फॉर्मूले आपने क्लास 11th में भी पढ़े हुए, लेकिन क्योंकि हम अवकलन का चैप्टर स्टडी करने चल रहे हैं तो ये बहुत जरूरी है आपको बताना, एक बार याद दिला देना कि क्या क्या उनकी वैल्यूज थी। आपको ये भी याद होगा किसी फलन के अवकलन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। एक्स के सापेक्ष अगर अवकलन कर रहे हैं तो डी डी एक्स से लिखते हैं या एफ डैश लगा देते हैं उसमें फंक्शन पे। अगर फलन एफ ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ एक्स का अवकलज जो होगा इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसके अवकलज को हम ऐसे डी डी एक्स एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, या हम चाहें तो एफ डैश एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और भी हमारे पास बहुत मेथड है, क्लास 11th में सब सीख के आए हो आप। फिलहाल बेसिकली ये दो मेथड्स से हम यूज किया करेंगे। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, एक एक फंक्शन लेते हैं।
सबसे पहले हम ले लेते हैं एलजेब्रिक फंक्शन। एलजेब्रिक फंक्शंस में पहला मैं ले रहा हूं डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन। अगर एक्स टू द पावर एन टाइप का कोई फंक्शन है तो उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या रहेगा या उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, याद है आपको? एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, नहीं याद आया? एक्स वेरिएबल है, एन उसके ऊपर लगा हुआ कॉन्स्टेंट है। डी डी एक्स ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट करोगे तो वन, एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष करोगे वन आ जाएगा। ठीक है, कैसे आप इसको एक्स की घात एक तो लिख सकते हो ना, और एक्स की घात एक लिख सकते हो तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके देखोगे आ जाएगा सी डी डी एक्स ऑफ एनी कॉन्स्टेंट टर्म। अगर कोई अचर पद है उसका एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर रहे हैं आप तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, जीरो। किसी भी अचर पद का अवकल गुणांक हमेशा किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर आएगा। तो ये हमारे कौन से फंक्शन रहे, एलजेब्रिक फंक्शन। इसके बाद अब हम लोग लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ले लेते हैं। ये क्लास इलेवेंथ में नहीं पढ़े गए थे फॉर्मूले, पढ़े गए हैं ना ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के। आप देखिए जैसे डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होगी, इसकी वैल्यू कॉस एक्स। डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स की वैल्यू माइनस साइन एक्स। डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स की वैल्यू सेक स्क्वेयर एक्स। डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वेयर एक्स। डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। एंड डी डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के डिफरेंशिएशन। इसके बाद ले लेते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन याद है ना आपको, उनके क्या डिफरेंशिएशन होते हैं देखिए। फर्स्ट डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, याद है किसी को क्या होता है इसकी वैल्यू, नहीं, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर। डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर। डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर। डी डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर। डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स वन अपॉन मॉड ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस वन। एफ डी डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन मॉड ऑफ एक्स अंडर रूट, ये माइनस आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस वन। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के डिफरेंशिएशन हो गए। तो ये सब फॉर्मूले की तरह आपको याद रखने, इन सब के निकाले गए हैं अवकलज वाले तरीके से और तब ये वैल्यूज हमको मिली हैं।
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के बाद हम ले लेते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कौन होते हैं भाई? एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं जिनमें कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल होता है। देखो यहां वेरिएबल की पावर में कांस्टेंट है, और जिनमें कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आएगा वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे फर्स्ट पार्ट पे लेते हैं हम डी डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर एक्स। आप देख रहे हैं कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल लगा हुआ है, सो दिस इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। चर घातांकी फलन कहा जाता है इसको, चर घातांकी फलन। इसका अवकल गुणांक क्या होगा? ए टू द पावर एक्स लॉग ए टू द बेस ई, ये इसका अवकल गुणांक होगा या अवकलज होगा, ए टू द पावर एक्स लॉग ए टू द बेस ई। ऐसे ही एक एक्सपोनेंशियल फलन ये भी होगा e टू दी पावर x, अगर a टू दी पावर x का होगा a टू दी पावर x log a टू द बेस e, तो e टू दी पावर x का क्या होगा? e टू दी पावर x log e टू द बेस e। एक ही जगह पर e आएगा कि नहीं आएगा? अब log e टू द बेस e इसका मान एक हो जाता है, इसलिए हम इसको लिखते ही नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है? 1। तो a टू दी पावर x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होगा? a टू दी पावर x log a टू द बेस e, और e टू दी पावर x का क्या होगा? e टू दी पावर x। उसके साइड में भी ये रहता है, पर क्योंकि इसकी जरूरत नहीं पड़ती तो हम छोड़ देते हैं इसको। जरूरत नहीं पड़ती मतलब इसका मान कितना होता है? 1। log में अगर नंबर और बेस दोनों सेम हो जाएंगे तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, याद रख लीजिए। एक्सपोनेंशियल के बाद हम ले लेते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शंस। लॉगरिथमिक फंक्शंस में एक आएगा डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ई, ये आएगा। इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होगा? इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आएगा 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स टू द बेस ई का। इसके बाद लॉगरिथमिक में एक और आ सकता है आपका log x टू द बेस a भी आ सकता है, log x टू द बेस a। इसको आप कैसे करोगे? इसमें बेस चेंज करेंगे पहले इसका, हम इस बेस को क्या बनाएंगे? इस बेस को हम e बनाना चाहते हैं। तो देखो हम लिखेंगे d dx ऑफ log x टू द बेस e, या आप इसे और अच्छे से कर लो डी डी एक्स लॉग एक्स टू द बेस ए को हम लिख सकते हैं लॉग एक्स टू द बेस ई अपॉन लॉग ए टू द बेस ई। लॉग एक्स टू द बेस ए को लिखा जा सकता है लॉग एक्स टू द बेस ई अपॉन लॉग ए टू द बेस ई। ये लॉगरिथम का रूल है। आपने लॉगरिथम पढ़ा इसके पहले 9th वगैरह में? नहीं आया? ये एक फॉर्मूला होता है लॉगरिथम में, अगर लॉग m टू द बेस n लिखा हुआ है तो आप इसको लिख सकते हो लॉग m अपॉन लॉग n, और बेस अपने जरूरत के मुताबिक आप लगा सकते हैं, लेकिन दोनों जगह सेम लगाइए। फिर हमारी जरूरत e है तो हमने लॉग x टू द बेस e अपॉन लॉग a टू द बेस e लगा लिया। अब log a टू द बेस e कॉन्स्टेंट टर्म है तो ये बाहर हो जाएगा, और log x टू द बेस e का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो 1 अपॉन log a टू द बेस e इंटू log x टू द बेस e का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। log x टू द बेस e का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा 1 अपॉन x। उसके बाद फिर हम एक log का रूल इसमें लगा सकते हैं, 1 अपॉन लॉग ए टू द बेस ई को लिखा जा सकता है
देखो पहले तो हम ये 1 अपॉन एक्स लिख देंगे, अब 1 अपॉन लॉग ए टू द बेस ई को लिखेंगे लॉग ई टू द बेस ए, तो लॉग एक्स टू द बेस ए का ये फॉर्मूला बनेगा 1 अपॉन एक्स लॉग ई टू द बेस ए। यदि लॉगरिथम का अपना एक रूल है क्या कि अगर कहीं लिखा है लॉग एम टू द बेस एन तो लिख सकते हो 1 अपॉन लॉग एन टू द बेस एम, वो हमने वहां लगा दिया। तो इस तरीके से एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, लगभग लगभग सबके तो हमने आपको बता दिए हैं। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं अवकलन के लिए, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव, आप प्लीज जल्दी से नोट कर लें, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव पढ़ते हैं। इसके बाद अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव पढ़ते हैं। अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव का मतलब जैसे कभी कभी क्या होगा कि देखिए सिचुएशंस देखिए, एक सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है कि जब आप किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो हो सकता है कि एक फंक्शन हो और उसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में कोई कांस्टेंट टर्म आ जाए, फंक्शन के साथ में कांस्टेंट टर्म, तो ऐसी सिचुएशन पे आप क्या किया करेंगे। अभी अभी हमने पढ़ा है कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है, जीरो, पढ़ा है ना। लेकिन अगर कांस्टेंट टर्म किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड में है तो उसका डेरिवेटिव आप जीरो नहीं करेंगे, उसका डेरिवेटिव जीरो नहीं करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, उसको आप आगे ले लीजिएगा और कांस्टेंट आगे कर लेना, इस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेना बस आप डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ऐसे जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम आपको बताएं कि हमारे पास एक फंक्शन हमको दिया गया y इज इक्वल टू आपको दे दिया गया 2 साइन एक्स और बोला गया इसका डेरिवेटिव निकालो, तो हमने इसका डेरिवेटिव किया डी डी एक्स ऑफ वाई। अब ये फलन है x का और इसके साथ ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को क्या करना है आपको आगे रख देना है और डी डी एक्स किस पे लगाना है साइन एक्स पे, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी कॉस एक्स, तो इसका डेरिवेटिव 2 कॉस एक्स आ जाएगा। नहीं समझ में आई बात। अच्छा और देखिए कभी कभी ऐसा होगा कि एक से ज्यादा फंक्शन आपको प्लस या माइनस में मिल सकते हैं, जैसे इस तरह से एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स एक फलन है, जी ऑफ एक्स भी एक दूसरा फलन है, इन दोनों के बीच में प्लस या माइनस लग के आ जाएगा, तब क्या करेंगे आप, तो आप दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव करेंगे, बीच में जो भी साइन लगा होगा वही लगा रहने देंगे। जैसे लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, अगर बीच में प्लस है तो प्लस रहने दें, माइनस है तो माइनस रहने दें, और डी डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स ये कर देंगे। इसका हम आपको एक एग्जांपल लेके दिखाते हैं, जैसे ऐसा कोई फलन आ जाए एक्स स्क्वेयर प्लस लॉग एक्स टू द बेस ई। अब इसमें दो फंक्शन देखो एक दूसरे से प्लस से जुड़े हुए और मुझे इसका डिफरेंशिएशन पता लगाना है, मुझे इसका अवकलन करना है, तो हमने डी डी एक्स ऑफ वाई लिखा, फिर इधर भी लिखा डी डी एक्स और वाई की जगह पर ये वैल्यू लिख दी एक्स स्क्वेयर प्लस लॉग एक्स टू द बेस ई। अब देर आर टू फंक्शंस एंड उनके बीच में प्लस साइन लगा हुआ है, क्या करेंगे बताइए, ये डी डी एक्स इसको भी दे दो, इसको भी दे दो, तो ये डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ई, एक्स स्क्वेयर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 2x, log x टू द बेस e का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 1 अपॉन x। नाउ दिस विल बी अवर आंसर। तो कितने भी टर्म लगे हो, मैंने दो लेके दिखाए, 10 लिख रहे हो, 500 लिखे हो, सबको अलग अलग डी डी एक्स मिलता जाएगा, समझ आ रहे हैं आपको। तो ये एलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव, इसमें अभी हमको प्रोडक्ट रूल भी पढ़ना है कि अगर दो फलन एक दूसरे के साथ गुणा में आएंगे तो उनको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, आप प्लीज इसे नोट करिए। प्रोडक्ट रूल देख लेते हैं हम लोग, प्रोडक्ट रूल जिसे लेबनिट्ज़ रूल भी कहा जाता है,
कि अगर कभी दो फलन आपस में मल्टीप्लिकेशन में हैं तो उनका अवकलज आप कैसे ज्ञात करेंगे। उसके लिए मैं शब्दों में भी लिखे देता हूँ और उसके बाद सिंबल्स में भी लिख दूंगा फॉर्मूला। देखिए, ऐसे दो फलनों के गुणनफल का अवकल गुणांक कैसे निकालना है, इसके लिए आप करा ये करेंगे। प्रथम फलन लिखेंगे, द्वितीय का अवकल गुणांक करेंगे, द्वितीय फलन का अवकल गुणांक प्लस द्वितीय फलन को ऐसे ही ज्यों का त्यों लिख देंगे, प्रथम फलन का अवकल गुणांक निकालेंगे, प्रथम फलन का अवकल गुणांक। ठीक, अगर दो फलन आपस में गुणनफल में हैं तो उनका डिफरेंशिएशन करने के लिए पहला फलन लिख दिया हमने ज्यों का त्यों, तो उसके साथ दूसरे का अवकल गुणांक लिखेंगे प्लस दूसरे फलन को ऐसा ही लिख देंगे, पहले का अवकल गुणांक लिखेंगे। जैसे सिंबल्स में डी डी एक्स, अगर एक फलन हमारे पास एफ एक्स है और दूसरा फलन हमारे पास जी एक्स है और दोनों आपस में कैसे हैं गुणा में, तो हम इसको कैसे लिखेंगे। प्रथम फलन बताइए, प्रथम फलन कौन सा है, तो प्रथम फलन एफ ऑफ एक्स सेम टू सेम वैसा ही लिख देना है और दूसरे का अवकल गुणांक करना है, मतलब डी डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस लगाना है, फिर दूसरा फलन वैसा ही लिख देना है बिल्कुल, पहले का अवकल गुणांक तो डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स ऐसे। ये सिंबल्स में आप चाहें तो बुआ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एफ एक्स इंटू जी एक्स का डैश, डैश मतलब इनके गुणनफल का अवकल गुणांक, गुणनफल का डिफरेंशिएशन, इसको कैसे लिखा जा सकता है, एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स। देखो एफ एक्स तो एफ एक्स है, जी एक्स का अवकल गुणांक किया ना तो जी डैश एक्स प्लस जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स। बहुत सारे लोग यू और वी के टर्म्स में भी लिखते हैं, कैसे, ऐसे देखो यू इंटू वी होल डैश, क्या मतलब है इसका, यू एक फलन है वी दूसरा फलन है और दोनों के गुणनफल का क्या निकालना है अवकल गुणांक, उसको कैसे करेंगे, यू इंटू वी डैश प्लस यू डैश इंटू वी, यू लिखा वी का डैश प्लस दूसरा फलन लिखा पहले का डैश। ठीक है, तो आप सरल बनाने के लिए ऐसा भी इसको कर सकते हैं। तो ये आपका प्रोडक्ट रूल है कि अगर दो फलन आपस में गुणनफल में हो तो इस तरीके से आप फॉर्मूला यूज करिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसके बाद भागफल में क्या रूल लगेगा वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं कोशियंट रूल। अगर दो फलन भागफल में है तो उसका अवकल गुणांक कैसे निकाला जाएगा। जब भागफल में होंगे तो उन दोनों में से एक फलन अंश में होगा और दूसरा फलन हर में होगा, समझ रहे हैं आप, तो उसका अवकल गुणांक कैसे निकालेंगे। पहले मैं शब्दों में लिखे देता हूं इसको, आप देखिए फॉर्मूला होगा हर इंटू अंश का अवकल गुणांक माइनस अंश जो भी है उसको ज्यों का त्यों यहां लिख देंगे और उसके साथ हर का अवकल गुणांक कर देंगे, और अपॉन जो नंबर
जो फंक्शन हर में लिखा होगा उसका स्क्वेयर कर देना है आपको, ये फॉर्मूला होगा। फिर से हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर स्क्वेयर, ठीक है। अब सिंबल्स में कैसे लिखेंगे, दो फलनों के भागफल का अवकलन। सपोज एक फंक्शन f ऑफ x है और दूसरा फंक्शन g ऑफ x है और इसे हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। डी डी एक्स का मतलब क्या होता है, वी आर डिफ्रेंशिएटिंग दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष इस फलन का अवकलन कर रहे हैं हम। अगर यहाँ हम t लिख देंगे तो t के सापेक्ष कर रहे हैं, u लिख देंगे u के सापेक्ष कर रहे हैं, तो x के फलन है अभी x के सापेक्ष कर रहे हैं। हर लिखना है, बताइए हर में कौन है यहाँ, तो g ऑफ x इंटू अंश का अवकल गुणांक मतलब d dx ऑफ f ऑफ x माइनस, अब अंश लिखना है, अंश क्या है इसका f ऑफ x, फिर हर का अवकल गुणांक तो d dx ऑफ g ऑफ x अपॉन हर स्क्वेयर तो g ऑफ x का होल स्क्वेयर। और सिंबल्स में अगर लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं बता सकते हैं आप, एफ एक्स अपॉन जी एक्स होल डैश, एफ एक्स अपॉन जी एक्स डैश का क्या मतलब है, इसका अवकल गुणांक करना है। इसको बताइए क्या लिख सकते हैं आप, जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स अपॉन जी एक्स का होल स्क्वायर। अगर यू वी के टर्म्स में आप लिखना चाहें तो उसको कैसे लिख दोगे, u अपॉन v डैश, ये सबसे आसानी से हो जाता है, u अपॉन v डैश इज इक्वल टू वी यू डैश माइनस यू वी डैश अपॉन v स्क्वेयर, बस v इंटू यू डैश माइनस u इंटू v डैश अपॉन v स्क्वेयर। u डैश का मतलब समझते हैं आप, u का अवकल गुणांक, v डैश का मतलब v का अवकल गुणांक। तो ये सबसे इजी लगता है, आप कोई सा भी रूल यूज कर सकते हैं कोसिएंट रूल लगाने के लिए, जिस तरह से आपको ज्यादा अच्छा लग जाए। तो ये कोसिएंट रूल हमने पढ़ लिया। कोसिएंट रूल के बाद अवकलन करने के लिए एक रूल और यूज होगा यहां पर, जिसे हम बोलते हैं चैन रूल। वो क्या होता है आप इसे नोट करें, फिर उसके बारे में जिक्र करते हैं हम, ठीक। डिफ्रेंसिएशन में चैन रूल हम लगाते हैं कंपोजिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन पता लगाने के लिए। कंपोजिट फंक्शंस कौन से फंक्शन होते हैं, जिन्हें हम संयुक्त फलन कहते हैं, जिसमें एक फलन में ही एक से ज्यादा फलन सम्मिलित रहते हैं। तो चैन रूल का इस्तेमाल किसका डिफरेंशिएशन पता लगाने के लिए करते हैं, फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ Differentiation of composite functions मतलब संयुक्त फलनों। तो संयुक्त फलनों का अवकलन ज्ञात करने के लिए चैन रूल का इस्तेमाल किया जाता है। और संयुक्त फलन कौन से फलन होते हैं, जिनमें एक से ज्यादा फलनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो संयुक्त फलन का मतलब क्या होता है, संयुक्त फलन होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर फंक्शंस, दो या दो से ज्यादा फलनों का संयोग जिसमें होगा उसको हम बोलेंगे कंपोजिट फंक्शन, संयुक्त फलन। उसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे थोड़ा ध्यान से सभी लोग देखें, जैसे हमारे पास एक फंक्शन दिया गया साइन एक्स स्क्वेयर। अब देखिए ये एक कंपोजिट फंक्शन है, क्यों, क्योंकि ये दो फलनों का कॉम्बिनेशन है।
कौन कौन से दो फलनों का कॉम्बिनेशन है। इसमें एक फलन है साइन एक्स और दूसरा फलन है एक्स स्क्वेयर, देख रहे हैं आप। तो ये साइन एक्स और एक्स स्क्वेयर का कंपोजिट फंक्शन है, कंबाइंड फंक्शन है ये। ऐसी सिचुएशन पर अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ जाए तो चैन रूल की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी आपको। कैसे, ध्यान से देखिएगा। हमको साइन एक्स ऐसी सिचुएशन पे सबसे पहले हम एक काम करेंगे, एक्स स्क्वेयर बराबर टी हम मान लेंगे। एक्स स्क्वेयर को क्या मान लेंगे, टी। उनमें से जो एक फलन होगा उसको हम टी मान लेंगे। तो y बराबर क्या बन जाएगा फिर, y बराबर हो जाएगा साइन टी। और अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, थोड़ा गौर से देखिएगा। इसका डिफ्रेंशिएशन ना हम दो तरह से कर सकते हैं, करेंगे कैसे ये बाद की बात है, बट वी कैन डू इट्स डिफ्रेंशिएशन बाई टू मैथड्स। कैसे, जरा गौर कीजिए। ये y इज इक्वल टू साइन टी है, हम dx ऑफ साइन टी कर सकते हैं, देखो। और हम चाहें तो हम ये भी कर सकते हैं, dt ऑफ साइन टी। दोनों में कुछ फर्क समझ में आ रहा है, थोड़ा सा ही सही, लेकिन कोई अंतर आपको दिख रहा है, दिख रहा होगा कि यहां हमने लिखा है डी डी एक्स ऑफ साइन टी और यहां डी डी टी ऑफ साइन टी। यहां पर ये फलन किसका है, टी का, और अवकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं, एक्स के सापेक्ष। ये फर्क है, यहां फलन किसका है, टी का, और अवकलन भी किसके सापेक्ष कर रहे हैं, टी के सापेक्ष। ये दोनों में फर्क है। तो जब फलन हो किसी और वेरिएबल का, अवकलन किसी और वेरिएबल के सापेक्ष करना पड़ रहा है हमको, वहां पर चैन रूल लगेगी ही लगेगी। तो एक्चुअली चैन रूल इस सिचुएशन के लिए है। कुछ बात समझ में आई, कब लगेगी चैन रूल बताइए, जब फंक्शन किसी और वेरिएबल का है और अवकलन आप करने जा रहे हैं किसी और वेरिएबल के सापेक्ष, तो चैन रूल तो लगेगा भाई। यहां पर फंक्शन भी टी का है, अवकलन भी टी के सापेक्ष करेंगे, नो यूज ऑफ चैन रूल। लेकिन यहां चैन रूल लगाना पड़ेगा आपको। कैसे लगेगी चैन रूल, ध्यान से देखो। सबसे पहले ये जो साइन टी है किसका फलन है, टी का, अवकलन किसके सापेक्ष करना है, एक्स के सापेक्ष। लेकिन सबसे पहले आप एक काम करोगे कि पहले इस फलन का टी के सापेक्ष अवकलन करोगे। फलन टी का है, अवकलन एक्स के सापेक्ष करने जा रहे हैं, पर जिसका फलन होगा पहले उसके सापेक्ष अवकलन करोगे, और उसके बाद छोड़ नहीं देंगे आप, उसके बाद आप इस टी का, जो ये आपको मिला हुआ है, इस टी का एक्स के रिस्पेक्ट में कर देंगे। ये चैन रूल, चैन रूल मतलब पहले इसका करेंगे फिर टी का एक्स के रिस्पेक्ट में कर देंगे। देखो ध्यान से, डी टी से डी टी कट जाएगा, डी डी एक्स ऑफ साइन टी फिर आ जाएगा आपका। तो इसको हालांकि ये काटेंगे नहीं, पर आपको समझना है फंक्शन किसका है, टी का, अवकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं, एक्स के सापेक्ष। तो पहले आप इस फलन का किसके सापेक्ष करोगे, टी के सापेक्ष, फिर क्या करोगे, इस टी का केवल, पूरे का नहीं, केवल टी का एक्स के सापेक्ष कर दोगे। जैसे बताइए मेरे पास एक फंक्शन है टेन थीटा और हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, तो फंक्शन किसका है, थीटा का, अवकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं, एक्स के सापेक्ष। तो चैन रूल लगेगी कि नहीं लगेगी, लगेगी। पहले हम क्या करना पड़ेगा, हमें पहले टेन थीटा का अवकल गुणांक किसके सापेक्ष करना पड़ेगा, थीटा के सापेक्ष, जिसका फलन है उसी के सापेक्ष, और फिर केवल इस थीटा का अवकल गुणांक कर लो एक्स के सापेक्ष। अभी भी नहीं समझ में आई बात, आ रहा है समझ में, पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, अच्छा। अब इसका क्या होगा,
तो इसका क्या हो जाएगा, टी का टी के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या होगा, साइन टी का अवकल गुणांक पढ़ के आए हो अभी, कॉस टी, उसके साथ में डी डी एक्स ऑफ टी लिखा हुआ है, सी ठीक है, इसका क्या होगा, टी का फलन है, टी के सापेक्ष ही करना है, तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे डी डी टी ऑफ साइन टी, और उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा आपको, डी टी ऑफ डी टी, देखो ना इसी के हिसाब से डी टी बटे डी एक्स लिखा था, यहां डी टी बटे डी टी लिखना पड़ेगा, रूल तो यही लग रहा है ना वहां पर भी, लेकिन क्योंकि ये सेम है इसलिए कट के क्या बन जाते हैं वन, तो हम इसको लिखते नहीं है, हम सिर्फ क्या लिख देते हैं, साइन टी का अवकल गुणांक कॉस टी, बस वो वन लिखते नहीं है, अदरवाइज रूल तो यही वहां पर भी जा रहा है ना, समझ आया कुछ, तो ये आपको एक बहुत ध्यान देना है कि अगर जिस चर का फलन है, जिस वेरिएबल का फंक्शन है, उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तब तो साइड में ये नहीं लिखना, एक्चुअली लिखना होता है लेकिन क्योंकि वो कट के कितना बन जाता है वन, हम नहीं लिखते उसको, लेकिन अगर फंक्शन किसी अदर वेरिएबल का हो और डिफरेंशिएशन आप अदर वेरिएबल में कर रहे हो तो आपको ये लिखना पड़ेगा। अच्छा और बताइए मुझे, फंक्शन कोई भी ले लिया हमने, हमने एक ले लिया फंक्शन साइन इनवर्स यू और हम एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको, तो बताइए फंक्शन किस वेरिएबल का है, यू का, यू में नहीं है फंक्शन, और अवकलन किसके सापेक्ष कर रहे हो, एक्स के सापेक्ष, चैन रूल लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा, क्या लिखना पड़ेगा पहले मुझे बताइए, बोलो मैं क्या लिख दूं, डी अपॉन डी यू साइन इनवर्स यू, वेरी गुड, उसके साथ डी यू अपॉन डी एक्स, क्लियर, सो दिस इज चैन रूल, चैन का मतलब एक के आगे एक जुड़ा होना, चैन में एक एक कड़ी जुड़ी रहती है, एक के आगे एक, एक के आगे एक, तो एक से दूसरी कड़ी जुड़ती जा रही है ऐसे, इसलिए इसको हम चैन रूल बोल रहे हैं, और इसकी वैल्यू क्या होगी, यू का अवकल साइन इनवर्स यू का अवकलन यू के सापेक्ष, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस यू स्क्वायर डी यू अपॉन डी एक्स, आ गया आंसर, आ रहा है समझ में, लेकिन अगर साइन इनवर्स यू का अवकल गुणांक यू के सापेक्ष करना होता तो हम आंसर क्या लिखते, फलन भी यू का है अवकलन भी यू के सापेक्ष कर रहे हैं तो आंसर लिखते वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एस यू स्क्वायर, बस उसके साथ गुणा में मुझे कुछ लिखना नहीं पड़ता। अब ये हमको बता दें क्या ये चीज आपको समझ आ गई, चैन रूल कैसे अप्लाई करना है, आ गया ना सबको, ठीक है आगे चल करके, अभी टीम मान रहे हैं, आगे चल कर हम इसको ऐसे आपको बताएंगे तरीके से कि आपको टी भी मानना नहीं पड़ेगा और टी का इन्वॉल्वमेंट खत्म कर देंगे, कितना भी बड़ा क्वेश्चन होगा आप ऐसे ही करते जा सकते हैं, ठीक है, तो ये है चैन रूल, इसका हमको इस्तेमाल करना है, आई होप कि समझ में आ गए। तो और एक चीज आप देखो, इसको आप कैसे पढ़ते हो, पढ़ के बताओ, ये सब क्लास 11th में आता है, डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, और कैसे पढ़ोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ ऑफ एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन, ठीक है, तो ये हमने कर लिया, चैन रूल भी समझ लिया भाई, इसको पढ़ना भी समझ लिया, इसको आप कभी भी क्या नहीं पढ़ेंगे, जैसे कभी अगर ये लिखा हुआ है ऐसे क्या पढ़िएगा बताइए, हाँ जी, डी डी एक्स ऑफ वाई, डी के साथ पहले डी एक्स पढ़ना, समझ आ रहा है, क्योंकि डी डी एक्स ये एक सिंबल है, दो अलग अलग चीजें नहीं है, ये एक सिंबल है, इसका मतलब है कि वाई का आप एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हो, इसलिए डी डी एक्स ऑफ वाई पढ़ना है आपको, हालांकि
अपनी सुविधा के लिए हम चाहें तो डीवाई बाई डीएक्स कह दें, लेकिन वो सिर्फ अपने कन्वीनियंस के लिए। क्या ये सही है? सही नहीं है। तो सही क्या है? डी डी एक्स ऑफ वाई। ओके, तो ये हमने चैन रूल भी कर लिया। अभी आपने लगभग सारे रूल्स पढ़ लिए हैं। अब एक काम करते हैं कि हम इसके बाद तो हम सीधे क्वेश्चंस में ही आएंगे, तो सबसे पहले हम एग्जांपल्स आपको सॉल्व करके दिखाएंगे और उसके बाद एक्सरसाइज पर चलेंगे। और ये काम, ये शुभ काम हम कल से स्टार्ट करते हैं, कल से मतलब अगले दिन से। समझ आ रहा है आपको? तो आज इतना ही रख लेते हैं मैथमेटिक्स में, एंड आई होप कि डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएबिलिटी से जुड़ा हुआ पूरा परिचय जो भी हमने आपको बताया है वो आपको समझ में आया है। समझ में आया है ना आपको? अब बाकी अगर कुछ रह गया होगा, कुछ छूट भी गया होगा 2, 4, 6, 10%, तो वो हम पूरा करेंगे जब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? और कोई प्रॉब्लम आने पर आप प्लीज जरूर हमें बताया करें, बिल्कुल भी संकोच नहीं करा करें। तो आज मैथमेटिक्स में इतना ही रखेंगे, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।